नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विथ आलोक पे। मैं संदीप तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी की स्टार्ट की गई इस न्यू बैच में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह संस्थान आपको बीईओ 2020 की इस प्रिपरेशन को कराने के लिए तटस्थ है। हम सभी संस्थान की तरफ से रवि सर के मार्गदर्शन में, आलोक सर के कुशल नेतृत्व में, हम सभी इस बैच में आपको इस बैच की उस अंतिम सफलता तक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी लोगों का प्रयास यही है कि आप लोग इस बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करें और उस सुनिश्चित करने के दौर में, उस सुनिश्चित करने के सीक्वेंस में लगातार सभी विषय विशेषज्ञ अपनी अपनी कक्षाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मैथ विषय की इस अगली कक्षा में, जो कि आपका तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, जिसका एक सीक्वेंस, एक प्रारूप आपको दिया जा चुका है, ऑलरेडी सारी चीजें आपको समझाई जा चुकी है, उसी कड़ी में आज हम इस नए लेक्चर को लेकर के आपके सामने आए। इस लेक्चर में हम आपको इस लेक्चर की गंभीरता को, इस पॉइंट के जो हम यहाँ पर टॉपिक आज की क्लास में लेने जा रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसके पूरे अप्रोच को आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे तमाम सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उस टॉपिक की गंभीरता को आप लेक्चर के माध्यम से समझ पाते हैं और उस पर अपने रिस्पॉन्स को अच्छा कर पाते हैं, उसी तरह से इस टॉपिक को भी बहुत ही गहराई से समझेंगे। मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को बता देता हूं। जैसा कि लगातार आपको जो जो टॉपिक सीक्वेंस से मिलते चले जा रहे हैं, सबकी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके इस बीईओ की स्तरीय परीक्षा में। जो परीक्षा की प्रकृति है, उस परीक्षा की प्रकृति के आधार पर हमने इन टॉपिक्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। चाहे वो आपका नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो थे आपको, उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, साथ साथ मैंने यूनिट डिजिट इकाई के अंकों को आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करी। सेम प्रक्रिया में आज की जो टॉपिक है वो आपकी बीई 2020 के परीक्षा के नेचर के हिसाब से हमने यहाँ पर जो अगला टॉपिक यहाँ पर सुनिश्चित किया, वो टॉपिक आपका है ट्रेलिंग विद जीरो। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिया जा चुका है, ट्रेलिंग विद जीरो, अंत से शून्यों की संख्या को गिनना, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है मैथमेटिक्स का, अंकगणित का, जिसमें नंबर सिस्टम का प्रॉपर यूज किया जाता है। आप जब कभी भी किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को देखते हैं, हालांकि संख्याओं को देख करके शून्यों को गिनना बहुत ही आसान और उसमें उस तरह का प्रश्न भी नहीं पूछा जाता, ना तो उस प्रश्न को पूछे जाने की कोई इंपॉर्टेंस है कि आपको संख्या दिया गया। जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि अगर कोई संख्या दी गई उसके इकाई के अंकों को गिनना आसान, लेकिन संख्या को जब किसी कॉम्प्लिकेटेड स्वरूप में दिया गया होगा, मतलब एक समीकरण के रूप में दिया गया होगा, तो उस स्थिति में उसके अंत में कितने, उसका अंत डिजिट किसके साथ है या क्या एक अंक उसका क्या है, उसको गिनना उतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको तरीकों को पढ़ना होता था, जिसको मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया। आज की इस क्लास में उसी प्रकार की हम बात यहाँ पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से यह इकाई पे ही संबंधित है, इकाई को डिसाइड करना ही यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इकाई को यहाँ पर डिसाइड करके आप यह काउंट करेंगे कि अंत में किसी भी कैलकुलेशन के अंत में, वह कैलकुलेशन खासकर मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड होगा, जहां जहां गुणा की प्रकृति होगी, मल्टीप्लीकेशन का नेचर होगा, वहां वहां पर इकाई के अंकों को गिनने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आपको कोई एक बड़ा सा सिक्वेंसियल सीक्वेंस के आधार पर मल्टीप्लीकेशन दिया जाएगा और उस मल्टीप्लीकेशन को देने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि इस मल्टीप्लीकेशन के अंत में कितने शून्य आ रहे हैं। इन शून्यों को गिनने का ही अप्रोच हम आज आपकी क्लास के माध्यम से करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात की जानकारी मैं देना जरूरी समझूंगा कि शून्य को गिनना किस पर होता है। सबसे पहली चीज, यह टोटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, गुणे पर आधारित है और मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक ही इस पर संबंधित है, मतलब गुणे पर आधारित है। जैसे अगर जोड़ घटाव की बात हो तो बहुत ज्यादा शून्यों को गिनने से संबंधित प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये गुणे पर ही आधारित है। एक सामान्य प्रकार का गुणा, जैसे कि हमको 25 गुणे अगर 15 दे दिया और हमसे पूछा कि इस गुणनफल के अंत में शून्य कितने आएंगे, मतलब अंत में शून्यों की संख्या आपसे अगर पूछी गई सपोज करिए, तो आपको इस तरह के प्रश्नों में शून्यों की संख्या करना इतना टफ नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को गिनना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। अब जैसे इसका गुणनफल करेंगे तो आपको पता है अंत में 5 × 5 = 25, मतलब 5 आएगा, इसका मतलब कोई शून्य आएगा ही नहीं। यहाँ पर इसके अंत में कोई शून्य नहीं आएगा, यह आपको पता है शून्य नहीं आएगा। लेकिन अब इसी प्रकार से हमें तमाम और मल्टीप्लीकेशन दिए जाएंगे। जैसे अगर हमको मान लीजिए यहाँ पर दिया गया कि 24 है, 24 × 25 है, तो आप ये समझ गए हैं कि 5 × 4 = 20 होता है, अंतिम में शून्य तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि शून्यों को काउंट कैसे कर पाए, डिसाइड कैसे कर पाए कि कितने शून्य आए। एक शून्य तो हमसे और है कि एक शून्य आएगा, लेकिन कितने शून्य आएंगे, एक शून्य आप लोग एंड डिजिट को मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, अंतिम अंतिम डिजिट्स को गुणा करके, जैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता था उसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम को अंतिम से गुणा करके हम यह बता सकते हैं कि अंत तो शून्य से होगा, बट कितने शून्य से होगा यही मुझे बताना यहाँ पर हमारे इस प्रश्न की डिमांड है।
इस शून्य की गिनती को करना करना सबसे पहले अनिवार्य है, ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले यह डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि आप इस तरह से इंड डिजिट को मल्टीप्लाई करके यहां पर बता सकते हैं कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन शून्य को आना और कितनी बार आना, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और मैं वह आपको बताऊंगा एक फैक्ट के माध्यम से, एक टर्म के माध्यम से। फैक्ट ए है, ध्यान देने की बात है आप लोगों को, फैक्ट ए है कि किसी गुणनफल में अगर कोई मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, किसी गुणनफल में आपको ध्यान रखना है जो संख्याएं हैं, संख्याओं में यदि पांच और दो का जोड़ा है, पांच और दो, एक तरह से जोड़ा मत लिखिए, पांच और दो का प्रयोग गुणनखंड के रूप में किया गया हो, के रूप में किया गया हो, ये फैक्ट है। थोड़ा सा इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम समय ले रहे हैं इसको, नहीं तो लिखाया आपके सामने भी प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन लिखने से आपको चीजें यहाँ पर तैयार हो जाती, याद हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि किसी गुणनफल में संख्याओं में यदि पांच और दो का प्रयोग गुणनखंड के रूप में किया गया हो, तभी संख्याओं के अंत में, मतलब उस गुणनफल के अंत में शून्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। याद रखिए इस बात को, बहुत ही गंभीरता के साथ आपको ले रहा है कि पहली चीज, अगर किसी गुणनफल को हम करें तो शून्य आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की जानकारी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर संख्याओं के गुणनखंड में, संख्याओं का गुणनखंड आप समझ सकते हैं, जैसे 15 का गुणनखंड 3 और 5 होता है, 24 का गुणनखंड 2, 4, 8, 6, सब के सब उसके गुणनखंड होते हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि अगर दो संख्याएं आपको दी गई हैं, उन दो संख्याओं में या दो से अधिक, चाहे जितनी संख्याएं दी गई हो, अगर उन सभी संख्याओं में कहीं भी 2 और 5 का प्रयोग गुणनखंड के तौर पर किया गया हो, तभी उसके गुणनफल में शून्य आएगा। अन्य किसी भी प्रकार की संख्याओं के प्रयोग के दौरान कभी भी उनके अंत में शून्य नहीं आएगा। 2 और 5 के अतिरिक्त आप कुछ भी लेंगे तो शून्य नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी दो नंबर यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया, एक तो मैंने इसकी बात करी थी, मैंने कहा था 25 गुणे 15। यहाँ पर आपने देखा कि 2 का 5 का प्रयोग तो है दोनों में, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, मतलब 5 गुणे 5 है, यहाँ पर 5 गुणे 3 है, मतलब 1 5 यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। दोनों जगहों पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए इसके अंत में कोई शून्य नहीं आया। जबकि अगर जैसे दूसरा नंबर मैंने देखा कि मैंने कहा 24 गुणे 25 है, मैंने नोटिस किया अगर इसका मैंने गुणनखंड किया तो मैंने कहा 2 की पावर 3 है गुणे, यहाँ पर 2 की पावर 3 है गुणे 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, मतलब 2 का प्रयोग यहाँ पर 3 बार किया गया है और 3 एक बार प्रयोग किया गया है, 2 तो है साथ साथ 5 भी है, तो 5 की पावर 2। तो कहने का अर्थ होता है कि 2 का प्रयोग 3 बार किया गया है, 5 का प्रयोग 2 बार किया गया है। अब कंफ्यूजन इस बात का है, मतलब इस बात की तो सियोरिटी हो गई कि शून्य तो आएगा, बट हाउ मेनी टाइम, कितनी बार शून्य आएगा, इस बात की जानकारी रखना और बताना भी एक प्रकार का फैक्ट है। फैक्ट के आधार पर मैंने जो बातें आपको बताई है, मैंने कहा है कि संख्याओं में यदि 2 और 5 का प्रयोग गुणनखंड के रूप में किया गया, तभी उनके अंत में शून्य आएगा, इस बात की सियोरिटी तो हो गई है, बट कितनी बार शून्य आएगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि शून्य किन्हीं भी संख्याओं के गुणनफल के अंत में, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन फिर लिख करके बताऊंगा, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 के जोड़ों, मतलब पेयर्स की संख्या। अब हम इसको यहाँ पर थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, यहाँ पर एक फैक्ट मैंने फिर से एक लिखा, यह फैक्ट भी आपके लिए रिमाइंड करने के लिए, तैयार करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट मैंने बताया कि गुणनफल तभी, किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य तभी आएगा जब 2 और 5 का प्रयोग एज ए गुणनखंड, एज ए फैक्टर किया गया हो। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होगी। जितने जोड़े 2 और 5 के अंत में होंगे, मतलब उन संख्याओं के गुणनफल में या संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होंगे, उतनी ही बार शून्य आएगा। आप जोड़े गिन सकेंगे, पेयर्स काउंट कर सकेंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कितनी बार शून्य आएगा।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोड़ों की संख्या दो मतलब कैसे काउंट की जाती है। जैसे आप यहां पर समझिए कि अगर किसी कक्षा से हमें बॉयज एंड गर्ल्स का पेयर बनाना हो, तो मान लीजिए दो लड़के हैं तीन लड़कियां हैं, तो आपको पता है कि पेयर्स कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं, क्योंकि एक लड़का दूसरी मतलब एक कपल दो तरह के कपल से दो तरह के पेयर आपके प्राप्त हो सकते हैं। एक का कपल यहाँ पर संभव नहीं है, एक की पेयरिंग संभव नहीं है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार के हम लोग यहाँ पर फंक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए इस प्रकार के पेयर को ढूंढ रहे हैं, तो अब यहाँ पर दूसरी वही सेम स्थिति है कि पेयर मतलब जोड़ों की जो संख्या होती है, जोड़ों की संख्या होती है जो कम बार प्रयोग किया गया उसकी संख्या के बराबर होती है। मतलब जैसे यहाँ पर यह ध्यान देना है कि गुणनखंड में कौन कम बार आया है, जैसे दो कम बार आया है कि पांच कम बार आया है, जो कम बार आया है वो इतने ही प्रकार के उतने ही नंबर आप यहाँ पर पेयर पॉसिबल हो पाएंगे, जोड़े संभव हो पाएंगे। तो आपको बस यही बातें ध्यान में रखनी है कि पेयर्स दो और पांच के जोड़ों की संख्या बराबर, दो और पांच में जो सबसे मिनिमम टाइम्स आया हो, जो सबसे कम बार आया हो, उतने ही प्रकार के उतने ही नंबर आप पेयर यहाँ पर पॉसिबल हो पाएंगे। जैसे हम जिस एग्जाम्पल को यहाँ ले रहे थे अभी, मैंने देखा कि यहाँ पर दो का प्रयोग तीन बार हुआ है, दो का प्रयोग तीन बार हुआ है, जबकि पांच का प्रयोग दो बार हुआ है। अगर हम पेयर पॉसिबल करेंगे तो एक पेयर इसके साथ इसका बनेगा, एक पेयर इसके साथ इसका बनेगा, एक छूट जाएगा, तो दो पेयर पॉसिबल है दो और पांच की। अगर दो पेयर पॉसिबल है तो शून्यों की संख्या यहाँ पर दो होगी, शून्यों की संख्या यहाँ पर दो होगी। अगर इस गुणनफल को आप प्रॉपर भी करते हैं, प्रॉपर करके आप देख सकते हैं, तो इस गुणनफल के दौरान नंबर ऑफ पेयर्स दो और पांच के यहाँ पर दो बन रहे हैं, इसलिए इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या दो बार होगी। तीन बातें दिमाग में रखिए। सबसे पहली बात, किसी भी गुणनफल में शून्य तभी आएगा जब दो और पांच का प्रयोग एज ए फैक्टर एज ए गुणनखंड किया गया हो। और गुणनखंड में भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जितने जोड़े दो और पांच के बनेंगे उतनी बार शून्य आएगा। अब फिर कंफ्यूजन एक दिमाग में आया कि कैसे जोड़े हम काउंट कर सके। मुझे पता चला 15 बार दो आया है, 8 बार पांच आया है, तो जोड़े हम कैसे गिन पाएंगे? तो मैंने इसके लिए बताया जिनकी संख्या मिनिमम हो कम हो उतने ही नंबर आप पेयर यहाँ पर उतने ही नंबर आप जोड़े संभव है। यह तीन बातें दिमाग में रख लीजिए, सारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब इसी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक दो चीजें और आपको समझाते। जैसे मैंने आपको कभी कहा 25 है, गुणे 37 है, गुणे 28 है, गुणे 52 है, गुणे 75 है, गुणे 65। अब देखिए इतनी संख्याएं आपको गुणे में दे दी गई है, शून्य तो अवश्य आएगा क्योंकि दो और पांच दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। बट अगर मैंने पूछा कि इनके अंत में, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, यह एक कंफ्यूजन का विषय हमारे सामने बन जाता है कि शून्यों की संख्या कुल कितनी बनकर सामने आएगी। इसके लिए मैंने हर संख्या को नोटिस किया, पता चला यहाँ पर पांच दो बार है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ना दो है ना पांच है। यहाँ पर मैंने देखा कि दो दूना चार सत्य 28, दो का प्रयोग दो बार किया गया है। यहाँ पर भी मैंने देखा 13 चौके 52 होता, दो का प्रयोग दो बार किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने देखा 25 गुणे 3 75 होता, तो पांच का प्रयोग भी दो बार किया गया है। 13 बचे 65 होता है, तो पांच का प्रयोग एक बार किया गया है। मैंने पेयर्स को काउंट करने के लिए दो और पांच को जैसे यहाँ पर हमने सीक्वेंसिंग करी कि पांच कितनी बार है, दो कितनी बार है, तो आपने इस संख्या को कुछ इस प्रकार से बताया कि सर यहाँ पर पांच दो बार है, यहाँ पर पांच दो बार है, यहाँ पर पांच एक बार है, तो पांच जो है वो पांच बार है। दो की बात जब हम करने लगे, दो यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर दो बार है, दो यहाँ पर चार बार है। मैंने आपके लिए कहा जोड़े तो है, दो और पांच के शून्य का होना भी निश्चित था, जोड़े जितने बनेंगे उतने ही बार यहाँ पर शून्य आएगा, और उसमें भी मैंने कहा था कि जो कम से कम बार हो वही आपके जोड़ों की संख्या को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि चार बार दो है और पांच बार पांच है, तो दो की संख्या कम है इसलिए जोड़ों की संख्या चार होगी। 4 pairs are possible, चार जोड़े संभव है, अर्थात शून्यों की संख्या यहाँ पर चार है। इन गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या यहाँ पर कुल मिला के चार है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है, चार इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। ऐसे तमाम प्रकार के मल्टीप्लिकेशन आप बड़े छोटे आप प्राप्त करते हैं जिसमें आपको शून्यों की संख्या को गिनना होता है प्रश्नों में। लेकिन जो स्तरीय प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपका एक सिक्वेंस पर फोकस्ड होता है, किसी एक श्रृंखला पर आधारित होता है। वह श्रृंखला ही यहाँ पर सबसे टफ टास्क है, क्योंकि वहां पर
आप लिमिटेड नंबर नहीं फेस करते, जैसे उसमें 5-6 नंबर आपने फेस किए, 5-6 संख्याएं फेस करी और आपने गुणनखंड को देख करके डिसाइड कर दिया कि शून्य कितनी बार यहां पर आएगा। जब हम एक सीरीज को फोकस करेंगे, जैसे सीरीज में आपके सामने कभी कहा गया कि मान लीजिए मेरे पास एक सिक्वेंस है 1×2×3×4×5×6×7×8×9। अभी मैंने फिर भी बहुत छोटा लिया है, 1 से लेकर के मैंने 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया है और मैंने आपसे पूछा कि इस गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत के शून्यों की संख्या क्या होगी, आपको इसके बारे में बताना है, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब शून्यों की संख्या गिनने के लिए आपको यहां पर भी 2 और 5 का देखना है कि 2 और 5 का प्रयोग कितनी बार हो रहा है। मैंने देखा कि 2 की बात अगर हम करेंगे, 2 मैंने नोटिस किया, एक बार यहां पर, 2 बार यहां पर और 3 बार यहां पर और 1 बार यहां पर। आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि 2 की पावर यह 1 है, 2 की पावर यह 2 है, 2 की पावर यह 3 है और यहां पर 1 बार 2 का प्रयोग होगा। तो 2 की पावर मैंने 1 बार, 2 1 3, 3 1 4, 3 7 बार। मैंने 2 को काउंट किया तो पता चला 2 7 बार है, जबकि अगर मैंने 5 को काउंट किया तो 5 मुझे केवल 1 बार नजर आ रहा है, अर्थात जोड़ों की जो संख्या बनेगी वह केवल 1 पेयर बनेगी। इसका मतलब शून्यों की संख्या भी केवल 1 बार, इस गुणनफल के अंत में केवल और केवल 1 बार शून्य आएगा। कंफ्यूजन अब इस बात का नहीं कि इतने छोटे डिजिट दिए गए हैं, इतना कम संख्याएं दी गई हैं और हम देख करके डिसाइड कर रहे हैं तो आसान चीज है, लेकिन अगर यही सिक्वेंस बहुत बड़ा होता, 9 तक न जाकर के 99 तक गया होता, 999 तक गया होता, तो इतना आसान नहीं था कि आप चीजों को काउंट कर पाते। इसके लिए आपको एक दिमाग, थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पर अपने दिमाग में रख करके काम करना पड़ेगा। वह अप्रोच कुछ इस प्रकार से होगा, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ऐसा कोई सीक्वेंस फेस करिए जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पर 1 से शुरुआत अगर करते हो और एंड तक कहीं भी जाते हो, ऐसी हर दशा में अंतिम डिजिट को आप पकड़िए, अंतिम डिजिट आपके सामने यहाँ पर 9 है, उस डिजिट को अगर जैसे मुझे पता करना है कि 2 के बारे में हमें जानकारी रखनी है कि 2 कितनी बार आएगा या 5 कितनी बार आएगा, तो उसको करना बड़ा आसान होता है। मान लीजिए मैंने देखा था कि 2 7 बार आया था, मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूं 2 कैसे 7 बार आया है, आप इस 9 को बस 2 से डिवाइड करिए, 12 कितना गया 4, अब इस 4 को 2 से डिवाइड करिए, 12 कितना गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करिए, 12 कितना गया 1। तो मतलब मैंने क्या किया, उस संख्या को, अंतिम संख्या को जिसके बारे में मुझे पता करना है, जैसे मुझे 2 के बारे में जानकारी की 2 कितनी बार आएगा, तो मैंने पहले 2 से डिवाइड किया तो पता चला 4 बार गया, जो बार गया उसको फिर से आप 2 से डिवाइड करो तो आपका 2 बार गया, फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 बार गया, जब काउंट करेंगे तो 4 2 6 1 7, देखिए आपका 7 बार 2 आ चुका है। रही बात 5 की, तो 5 के लिए भी 9 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 9 1 के 9 हुआ, 5 1 के 5 5 5 ही 1 ही बार जाएगा। अब जब 1 बार चला गया तो फिर से उसमें बार जाना 5 का संभव नहीं है, अर्थात 5 केवल 1 बार था। अब मैं आपको देख बताया हूं, जैसे 1 बार यहां पर 5 आया और 7 बार यहां पर 2 आया, लेकिन क्या जरूरी है कि आप 2 की संख्या को गिनिए, आपको 2 की संख्या गिनने की इस तरह के सीक्वेंस में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, यह फैक्ट है, ऐसा कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा तो उसमें जो 2 होगा वह अधिक बार आएगा, जबकि 5 हमेशा यहां पर कम बार आएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 2 हर 1 2 नंबर के बाद आएगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, इस तरह से प्राप्त होता जाएगा, जबकि अगर 5 की बात करेंगे तो 5 एक लंबा गैप लेकर आता है, 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20, तो वह कम बार आएगा। इसलिए आपको 2 को गिनने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 5 को गिन लीजिए, आपका उत्तर हो गया। हम लोग जब कभी भी ऐसा प्रश्न करेंगे तो मुझे यहाँ पर 2 की काउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होगी, हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम केवल और केवल 5 को पता करेंगे और ऐसे संख्याओं के लिए हम जोड़े बता सकेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े संभव हुए, 2 और 5 के जितने जोड़े संभव होंगे वही हमारे पास शून्यों की संख्या हो जाएगी। आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी आप अपनी तरफ से देकर के बता सकते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहुंचा 99 तक, 1 से लेकर के हम 99 तक पहुंचे और मैंने आपसे पूछा कि इस संख्या में, इस गुणनफल में भी शून्यों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होता है, 2 और 5 के जोड़े डिसाइड करने के लिए आपको 2 को गिनने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
केवल 5 को गिनिए, 99 को 5 से भाग दीजिए। आपको पता है 19 बार जाएगा क्योंकि 19 बचे 95 होता है, 19 को फिर 5 से डिवाइड करिए तो 3 बार जाएगा क्योंकि 5 × 3 15 होता है। अब 3 को तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवीजन होगा ही नहीं, इसलिए आप जब भी छोटी संख्या प्राप्त करिए, जब आप देखिए बार जाने की स्थिति नहीं है तो समय वही रोक दीजिए, 19 + 3 जोड़ दीजिए तो 22 बार 5 आया है। इसका मतलब शून्यों की संख्या यहाँ पर हो गई 22। शून्यों की संख्या आपकी इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या आपकी 22 हो गई, तो 22 बार शून्य आया इस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन में। तीसरी बात, हम ऐसा ही कुछ और एक प्रश्न उठाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 1 × 2 × 3 × 4 × 100 ऐसे हम पहुंच गए मान लीजिए 1350 या 1250। अब मैंने इस संख्या के गुणनफल में भी पूछा कि शून्यों की संख्या क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि हर प्रकार के ऐसे प्रश्न में हमें 5 को ही काउंट करना है क्योंकि 2 को काउंट करने की आवश्यकता नहीं, पेयर हमेशा 5 हमारा डिसाइड कर देगा कि जितनी बार 5 आएगा उतनी ही बार यहाँ पर शून्यों की संख्या, उतना ही शून्यों की संख्या बन पाएगी। 1250 को आप 5 से डिवाइड करिए, आप देख रहे 5 × 2 = 10 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, शून्य हो गया, 25 × 5 = 125 ऐसे भी होता है। 250 को फिर 5 से डिवाइड करिए तो आप समझ गए होंगे 50 जाएगा, 50 को फिर 5 से डिवाइड करिए आप समझ गए होंगे 10 जाएगा, 10 को आप 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 जाएगा, तो आपको अब करने की आवश्यकता नहीं, आप सबको जोड़ दीजिए, 300 हो गया, 310 312, 312 बार शून्य आया है क्योंकि 312 बार 5 आया है, 312 बार क्योंकि 5 आया है इसलिए जोड़े 2 और 5 के 312 बनेंगे। अगर जोड़े 312 बने हैं तो हम इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर हैं इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या भी 312 होगी। कंफ्यूजन अब तक थोड़ा सा खत्म हुआ होगा। अब कुछ और बातों की यहाँ पर स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न में दिया गया कि 13 × 14 × 15 × 16 × 17 × 18 × 19 मान लीजिए यह एक प्रकार का गुणनफल आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या क्या है इस गुणनफल में भी, शून्यों की संख्या क्या है आपसे पूछा गया मान लीजिए। अब जब यह प्रश्न आपको दिया गया और आपसे इस प्रश्न के अंत में शून्यों की संख्या पूछा गया तो आप मुझे यह बता सकते हैं इसको देख करके, जैसे आपको पता है कि इसमें तो बहुत लिमिटेड है, 3, 3, 6, 7 नंबर तो हम तो ऐसे देख कर बता लेंगे, लेकिन आप इस बात के लिए बिल्कुल से मत होइए क्योंकि शून्यों को हम काउंट संख्याओं को देखकर कर पाएंगे, संख्याओं के सीक्वेंस को फोकस करके करिए। 13 से लेकर 19 तक की संख्याएं, हालांकि इस प्रश्न की जानकारी, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे भी हम कर सकते थे, हमको पता था यहाँ पर 2 एक बार आया होगा, यहाँ पर 2 4 बार आया होगा, यहाँ पर भी 2 आया है एक बार, बस तो 2 की संख्या यहाँ पर 4 × 2 = 6 है, 2 को अगर हम काउंट करेंगे तो 6 बार है। 5 को हमने देखा कि 5 केवल यहीं पर था और एक ही बार था, 5 एक बार था इसलिए 5 की संख्या जब एक बार है, हम इस बात को समझ गए हैं कि पेयर एक बनेगा, अगर एक पेयर बनेगा तो शून्यों की संख्या भी केवल एक होगी। बट हमने आपको जैसे बताया यह कोई अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा तरीका तब होगा जब हम इसके लिए भी कोई सर्टेन वे अप्लाई करें, एक निश्चित तरीका अप्लाई करें जिससे यह श्रृंखला यह 19 अगर 119 होता 1019 होता तब भी हम आराम से कर पाते, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न में आपको पता है कि कोई लिमिट तो होती नहीं है, आप कहीं तक की भी संख्याओं को देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं जब ऐसा कोई सीक्वेंस या श्रृंखला देखूं तो हमारे दिमाग में कुछ और आना चाहिए, मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आएगा। अच्छा, आप इस बात को तो समझ ही रहे होंगे सारी चीजों को जो यहाँ पर दिया गया इस प्रश्न के माध्यम से, यह श्रृंखला अगर हमारे पास एक से तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पर इसको 5 से या 2 से डिवाइड करके बता सके, एक से होती तो हम 5 से ही पे डायरेक्टली डिवाइड कर देते और उत्तर बता देते कि 5 जितनी बार आएगा उतनी बार शून्य होगी, 5 से इसलिए डिवाइड कर देते थे कि शुरुआत 1 से होती थी, यहाँ पे शुरुआत 13 से हुई है, तो ऐसा क्यों ना सोचें कि हम शुरुआत 1 से मान लें, 1 × 2 × 3 × 100 ऐसे बढ़ते बढ़ते चले गए 12 पर, 12 के बाद आप देख रहे हैं कि 13 से शुरुआत है, तो मतलब हम 1 से लेकर कैसे 19 तक को 1 से 19 की श्रृंखला मान लें, फिर 1 से लेकर के 12 तक की श्रृंखला को 1 से लेकर 12 तक मान लें, हम क्या करें कि 1 से लेकर 19 तक को सबसे पहले यहाँ पर काउंट कर लें, फिर हम 1 से 12 तक की संख्या यहाँ पर काउंट कर लें, जो 1 से 19 तक आए और जो 1 से 12 तक में आए उसको घटा देने से हमें 13 से लेकर 19 तक की संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी।
समझ रहे बातों को? अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करिए, कुछ खास नहीं करना है। अगर मुझे एक से लेकर 19 तक के शून्यों की संख्या को गिनना है तो अंतिम डिजिट शून्य को केवल काउंट करिए, 19 को काउंट करिए, 19 को 5 से डिवाइड करिए, तो आपको पता है 3 बार गया, अब 3 ही बार जाएगा, आपको पता है, क्योंकि 3 को फिर से नहीं काउंट कर सकते। एक से लेकर 12 तक को काउंट करना है सबसे पहले, तो 12 को आपने 5 से डिवाइड किया, 12 को आपने 5 से डिवाइड किया, अगर 12 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 दूना 10 दो बार हो गया। अब आपको पता है कि यह दो बार आ रहा है, यहां पर 3 बार आ रहा है, तो 3 से अगर हम 2 को घटा दें तो एक बार आपका शून्य आएगा, आपने यहां पर पहले से भी शो कर दिया है। ऐसे प्रश्न का जो तरीका है, जब कभी भी ऐसी कोई श्रृंखला मिले, जैसे आपने श्रृंखला में देखा 13 × 14 × 19 तक गया, तो आपको ऐसी हर दशा में आपको इस एंड नंबर को फोकस करना है, एंड बिफोर द स्टार्टिंग नंबर, इसके पहले क्या रहा होगा उसको फोकस करिए। इन दो संख्याओं को लेकर चलिए और इन्हीं दोनों संख्याओं के पेयर्स को काउंट करके आप एक दूसरे का डिफरेंस कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी 19 का किया था तो आपने 3 बार आया था, 12 का किया था 2 बार आया था, 3 में से 2 का डिफरेंस 1 होता है, तो शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। बस और आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया कि 82 × 83 × 84 × 100 बढ़ते चले गए 312, और आपसे पूछा गया इस प्रकार के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या, आपसे पूछा गया इस प्रकार के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा गया। तो अगर ऐसा पूछा गया तो बस ये भी स्पष्ट है, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, अंतिम डिजिट उठाइए, इसके जस्ट बिफोर डिजिट उठाइए, 81 को उठाइए, दोनों संख्याओं को बस नोटिस करके चलना। जैसे हम 312 को सबसे पहले 5 से भाग देंगे, जैसे दिया तो देखा 5×6 = 30, 5×2 = 10, 5×6 = 30 होता है, 5×2 = 10, 62 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया 12×5 = 60 होता है, 12 को मैंने 5 से डिवाइड किया 5×2 = 10 होता है, अब तो जाएगा नहीं, मैंने जब सबको जोड़ा तो 12×2 = 14 और 62×10 = 72 × 4 = 76, 76 बार यहाँ पर 5 आया है, मतलब 76 बार शून्यों की संख्या है, 62×10 = 72 × 74 = 76, 76 बार यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब 76 शून्यों की संख्या यहाँ पर आ रही है जब कभी भी हम इस प्रकार का गुणनफल कर रहे हैं। 81 को फिर हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 16 गया, 16 को मैंने 5 से डिवाइड किया 3 गया, बस अब जाएगा नहीं, 19 आएगा, 16 × 3 मिलकर 19 होता है, आपने सिंपली 76 को 19 से घटा दिया, 16 × 9 = 7 होता है, 6 × 5 होता है, 57 बार इस गुणनफल में आपको शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा ही आ रहा है। ऐसा करना आपके लिए आसान है, आप यहाँ पर एक बार से अपने आप को निश्चित कर लीजिए कैलकुलेशन गलत ना होने पाए, और इस प्रकार की स्थिति में अंतिम डिजिट को चेक करना है और जहां से स्टार्ट हो रहा उसके पहले के डिजिट को चेक करना है, बस दोनों के 5 की काउंटिंग के बाद दोनों का डिफरेंस कर देने से आप सही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न में 57 बार यहाँ पर शून्य नजर आ रहा है, यही इस प्रश्न का कन्फर्म उत्तर है, सही उत्तर है, समझ पाए हैं आप लोग। अब अगर समझ पाए हैं तो इसी तरह से और एक आध प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मान लीजिए 215 है, 216 है, 215 है, 216 है, ऐसे बढ़ते चले गए, सपोज करिए हमने कहा 918 है। अब आपके सामने फिर वही एक कंफ्यूजन है कि अब यहाँ पर इस गुणनफल में भी हमसे शून्यों की संख्या पूछी गई है, शून्यों की संख्या हमसे पूछी गई है कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। आसान स्थिति है, मैंने आपसे जैसे स्पष्ट किया कि आपको कुछ खास नहीं करना है, इस इन डिजिट को देखिए, इसके बिफोर डिजिट को देखिए, दोनों डिजिट में 5 के पेयर को, 5 की काउंटिंग को करने के लिए बस सेम प्रक्रिया अप्लाई कर जैसे अभी तक करते आए हैं। 918 को आप 5 से डिवाइड अगर करेंगे तो 5×1 = 5, 5×8 = 40 होता है, 5×3 = 15 होता है, आप समझ रहे मेरी बात को, 5×1 = 5 जाएगा, 9 में 4 आएगा, 1×5 = 48 होता है, 1 × 8 = 18, 5×3 = 15 होता है, 183 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 3×15 = 15, 5×6 = 30 होता है, 36 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5×7 = 35 होता है, 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5×1 = 5 होता है। इस प्रकार से अगर इसको जोड़ दिया हमने 7×8 = 14 × 14 = 17 × 1 × 3 = 4 × 4 = 8 × 12 × 1 = 1 = 2 227 बार यहाँ पर शून्य आया, इसके लिए 5 के जोड़े आए सर। 214 को भी उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, 214 को भी हमने 5 से डिवाइड किया, 5×6 = 20 होता है, 5×2 = 10 होता है, 42 गया, 42 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5×8 = 40 होता है, 8 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5×1 = 5 होता है, 8×1 = 9 और 42×9 = 51 बार यहाँ पर 5 आ रहा है।
दोनों में से घटा दिए, 227 में से अगर हम 51 को घटा देते हैं, 7 में से 1 6 होता है, 12 से 5 7 होता है, 176 बार, 176 बार यहाँ पर शून्य आएगा। अगर आप इस प्रकार का कोई कैलकुलेशन करते हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करना सबसे आसान टॉपिक आपके लिए हो जाएगा। यह इस प्रकार की स्थिति को आप लोग आराम से फेस कर सकते हैं। इसमें ही एक प्रकार का और प्रश्न भी बनता है जो कि फैक्टोरियल बेस्ड होता है, फैक्टोरियल बेस्ड होता है। मैं फैक्टोरियल बेस्ड थोड़ी सी बातें आपसे बताने की कोशिश करूंगा, समझने की आप लोग कोशिश करिए। फैक्टोरियल आप सब जानते हैं किसी एक संख्या के अंत में, किसी एक संख्या के अंत में फैक्टोरियल, किसी एक संख्या के अंत में फैक्टोरियल सिंबल लगा करके उसके मल्टीप्लीकेशन का रूप ही बदल देता है। हिंदी में इसको फैक्टोरियल को क्रम गुणित कहते हैं, क्रम गुणित कहते हैं। मतलब यह भी एक गुणनफल का ही प्रारूप है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है इस चीज को कि क्रम गुणित पर आधारित जब कभी कोई संख्या, जैसे आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर कभी x का फैक्टोरियल किया गया, इसका मतलब होता है x गुणे x माइनस वन, x माइनस टू, इसी तरह से देखिए सब में गुणा लगा हुआ है, यहाँ पर भी गुणा लगा है, यहाँ पर भी ऐसे सोवान बढ़ते चले जाएंगे, 3 × 2 × 1, मतलब एंडिंग हमेशा एक से है। जहां पर डिजिट शुरू हो रहा है वहां से शुरुआत होगी और शुरुआत होकर के अंत में एक पर जाकर रुक जाएगी। जैसे अगर मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल है, तो मैं कहूंगा भैया 5 × 5 से 1 निकला 4, 2 निकला 3, 3 निकला 2, 4 निकला 1, बस ये रुक गया। देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कभी भी किसी संख्या का फैक्टोरियल किया जाएगा तो वहां से स्टार्ट होगा, एक एक रिड्यूस होते 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 वह जाकर के 1 पर एंड होगा। इस प्रकार से उन संख्याओं का हम क्रम गुणित या फैक्टोरियल ज्ञात कर सकते हैं। जो संख्याएं हमको दी जाती है उसका क्रम गुणित या हम उसका फैक्टोरियल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि हमें फैक्टोरियल को देख करके कुछ एहसास हो रहा होगा जो अभी सीक्वेंस हम पढ़े उस पर आधारित, क्योंकि अगर इनकेस हमसे पूछ लिया गया एग्जाम में कि 83 का फैक्टोरियल है के अंत में, के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब आपको इस तरह का एक प्रश्न आपसे पूछ लिया तो कितनी आसान सी बातें हैं, आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनकर सामने आएगी। 83 का फैक्टोरियल मतलब आप समझ गए होंगे कि 83 × 82 × 81 × 100 बढ़ते चले जाएंगे 3 × 2 × 1, या इसी को अगर हम उल्टा पढ़े या उधर जाके पढ़े तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 100 बढ़ते चले गए, आपका हो जाएगा 81 × 82 ×83। आप समझ गए होंगे बातों को, चाहे उधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, क्योंकि हमने इस तरह से ही मेथड बताया है इसलिए हम इधर आकर के आपको बता रहे हैं। आप बस कुछ नहीं करिए, जिस संख्या के फैक्टोरियल की बात की गई है उस संख्या को बस सेलेक्ट करिए, उसको 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड किया 16 × 5 = 80, 16 को 5 से डिवाइड करिए, 5 × 3 = 15 होता तो जाएगा नहीं, 19 बार शून्य आएगा। 83 का फैक्टोरियल करेंगे 19 बार शून्य आएगा। एकदम आसान सी स्थिति है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इस बात को भी आप समझ गए होंगे। किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल अगर हमको दिया हो और उसमें हमको पूछ रहा, देखिए हम इतना नहीं सोचेंगे अगली बार, अगर मुझसे कहा जाए 530 का फैक्टोरियल, 530 का फैक्टोरियल इसके अंत में शून्यों की संख्या, अंत में मतलब में, बस अंत लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस क्योंकि ये फैक्टोरियल लिख दिया इसका मतलब ये शून्यों की संख्या की बात कर रहा है। एक बार और दिमाग में रखिएगा कि फैक्टोरियल होता है इससे भी डिनोट किया जाता है और इसका एक सिंबल ऐसे भी होता है, जैसे ऐसे डायरेक्टली लिख दिया 530, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ऐसे लिखकर दिखाया चाहे ऐसे लिखकर दिखाया, वो फैक्टोरियल की ही बात कर रहा है। हमसे शून्यों की संख्या पूछा, शून्यों की संख्या पूछा, आप लोग तुरंत बता सकते हैं, लिखिए 530 को 5 से करिए डिवाइड, 5 एक बार गया शून्य बढ़ा, 5 6 बार 30 होता है, 106 को 5 से भाग देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 21 को 5 से भाग देंगे, 4 बार गया 20, बस करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, 25 हो गया 31, 131 बार शून्य आएगा, 131 बार शून्य आएगा इस गुणनफल में। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, 530 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 106, 106 को 5 से डिवाइड करेंगे 21, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, जोड़ने पर कुल मिला के 131 बार यहाँ पर शून्य आ रहा है और यही शून्यों की संख्या है। तो मुझे लगता है कि जहां तक आपको बताया गया कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा या चीजें आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। तो जितना कुछ अभी बताया गया है सब केवल एक अप्रोच माध्यम का, अभी बहुत प्रैक्टिस तो इस पे नहीं हुई लेकिन मुझे पूरा उम्मीद पूरी विश्वास है कि आप सब लोग इस तरह के अप्रोच को समझ पाए होंगे और इस पर आधारित जब भी आपको कोई प्रश्न मिलेगा तो आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और सभी लोग उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ
अगले लेक्चर की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा विश्वास है कि आप चीजें समझ पाए होंगे और ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद।